देश के उगे पत्रकार कुलदीप नैयर साडे विचकार नहीं रहे। दिल्ली में देर रात उन्हां आखिरी साल है। 95 सालों के कुलदीप नैयर ने दहाकियां तक पत्रकारिता के खेत्र में अपनी ताक कायम रखी। उन्होंने अपने जीवन काल दौरान कई किताबां भी लिखिया। कुलदीप नैयर ने दिल्ली में द स्टेट्समैन अखबार के संपादक वजो अपनी सेवावां निभाइया। अपनी निरपक्ष लेखनी करके उन्होंने एमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार भी किया गया। कुलदीप नैयर ब्रिटेन में भारतीय हाई कमिश्नर भी रहे हैं। अज दोपहर उन्हों का धार्मिक रौ रीतां नाल अंतम संस्कार कर दिता गया। अंतम वधाई देने लई मन्निया परमन्निया हस्तियां पहुंचियां हुई सन। कुलदीप नैयर सही रूप में पंजाब रतन, पंजाबियों का चैंपियन, सिखां दा दोस्त। जदों हाई कमिश्नर बनया लंडन, पहली बार इंडिया गेट दे खोले गए इंडिया हाउस के गेट ताकि पंजाबी ते सिख अंदर आ सकन। उसने कदे ये लिहाज नहीं किया कि कोई मेरे ते नाराज होवे। उन्हें सही रूप में पंजाब लई और सिख खेतां लई सारा जीवन लगाया। सारी उम्र निडर होकर कुलदीप जी ने लिखिया, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एमरजेंसी में जेल गए, उसके बाद 84 में उन्होंने बड़ा बड़ा रोल सी, जिस तरह उन्होंने सिखां दे जख्मां दे उत्ते मलम लाई। जो कुछ 1984 विच साडे नाल होया, ब्लू स्टार ऑपरेशन की गल हो गई, या उस तो बाद दंगियां की गल होवे, आई के गुजराल साहब, कुलदीप नैयर साहब, सचर साहब, ये पंजाब ग्रुप बन के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बैठ के, और जदों सानू कोई संकट आउंदा सी, कोई ऐसी मदद चाहिए हुंदी सी, तो मनु लगता है कि जिस फिराख दिली नाल इन्होंने उस वेले सिखां दे मसलियां नू लोगों के सामने, पंजाबियों के मसलों को लोगों के सामने पेश करन दा यतन किया है, वो कभी भी भुलिया नहीं जा सकता। साढ़े देश के दे पत्रकारिता की गरिमा को बहुत उच्चे बचाने एक बहुत बड़ा हाजरा से कुलदीप नैयर जी का, और मैं इस करके भी उन्होंने मान सत्कार करना वा कि शहीद आजम भगत सिंह के उत्ते एक किताब लिखण वास्ते पाकिस्तान जाके उन्होंने साल भर उत्थे स्टडी करके एक एक चीज़ जैनुअन तथ्य लिख के उन्होंने जी बुक लिखी है, अपने आप बड़ी इतिहासिक बुक है, और उस करके असी शहीद आजम भगत सिंह नैशनल सद्भावना अवार्ड भी दिता। मैं आज अपनी तरफों अते शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफों दिल दे नाल गहराई नाल दुख प्रगट करना हूँ।